हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में, वो भी पैसिव वॉयस का। पैसिव वॉयस का मतलब होता है कर्मवाच। देखिए, पैसिव वॉयस और एक्टिव वॉयस दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंट होता है। एक्टिव वॉयस जो होता है वो डायरेक्ट बोल सकते हैं, और पैसिव वॉयस जो है सो किसी के द्वारा, यानी कि जरिया बना करके, यानी कि उसी वाक्य को घुमा करके, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, है ना। तो मैं आम खाता हूँ बोल रहे हैं, तो इस वाक्य में मैं आम खा रहा हूँ, अब इसी को हम पैसिव में बोलेंगे, तो मेरे द्वारा आम खाया जाता है। देखिए, एक्टिव में भी आम हम ही खा रहे हैं और पैसिव में भी आम हम ही खा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे पैसिव वॉयस के इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है WHQ+M+R+ सब्जेक्ट नॉट इन द ब्रैकेट वर्ब 3 प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। इसका पहचान होता है या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉयस के बारे में। तो देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉयस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पैसिव वॉयस का इंट्रोगेटिव WHQ। जिसका रूल होता है WHQ+M+R+SP+VP+PO+OBJECT। इसका रिकॉग्निशन लिखेंगे, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। तो यहां पहचान लिखते हैं, या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। देखिए, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, जो कि होता है या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। इसका सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो देखिए, WH क्वेश्चन सेंटेंस का जो WH क्वेश्चन सेंटेंस जो होता है, बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, किसके साथ, किसके लिए, ये सब लगा हुआ रहता है। तो आइए सेंटेंस को बनाते हैं। आपके द्वारा किसके साथ रक्षाबंधन में महुआ जाया जाता है। तो देखिए, बनाते हैं। यहां पर किसके साथ जो है सो WH क्वेश्चन सेंटेंस वर्ड हो गया, तो यहां पर लिखेंगे विथ हुम। विथ हुम मतलब किसके साथ, फॉर हुम मतलब किसके लिए, है ना, व्हाट मतलब क्या, विच मतलब किसका, वेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे। तो यहां पर है किसके साथ, तो लिख दिए विथ हुम। अब एम इज आर में से किसी एक को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को पहले खोज लीजिए। तो आपके द्वारा लास्ट का है, किसके साथ WH की वर्ड है, रक्षाबंधन में, तो यहां पर क्या हो गया, ये रक्षाबंधन में, तो में प्रीपोजिशन हो गया, महुआ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जाना तो वर्ब है, तो लिखेंगे विथ हुम इज महुआ। उसके बाद देखिए, WH क्वेश्चन वर्ड हो गया, एमेजार में से जो लिखना था वो भी लिख दिए, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, तो देखेंगे इस वाक्य में कहीं पर नहीं है क्या, नहीं है, तो छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए, वर्ब का तीसरा रूप है, तो वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, तो जाना का वर्ड गो होता है, लेकिन गो का तीसरा रूप लिखना है, तो गो का तीसरा रूप गौन होता है, तो यहां पर हम गौन लिखेंगे।
तो गौन, उसके बाद देखिए प्रीपोजिशनल, देखिए प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान, यानी कि वर्ब के पहले जो भी शब्द स्थान ग्रहण किए हुए हैं उन सभी को हम लिख देंगे। तो देखिए वर्ब हमारा कहाँ है, ये वर्ब है, इसके पहले जो भी वर्ड आएगा उस सभी को हम लिख देंगे। तो महुआ हमारा सब्जेक्ट हो गया, पीछे लौटने पर मे है, तो मे का वर्ड होता है इन। अब कब, तो रक्षाबंधन में, तो लिखेंगे रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। फिर पीछे लौटेंगे तो देखिए किसके साथ, तो विथ होम, जो कि हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद देखिए आपके द्वारा, तो आपके द्वारा का वर्ड होता है बाई यू, तो यहां लिख देंगे बाई यू। देखेंगे अगला सेंटेंस हम अपना, राधा के द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के लिए विद्यालय में क्यों जाया जाता है। तो इस वाक्य में सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड को देख लीजिए, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है, तो लिख देंगे वाई, तो यहाँ पर वाई हो गया। अब देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को खोजेंगे, अगर वाक्य में सब्जेक्ट न हो तो दो वर्ड को लिख सकते हैं, एक इंट्रोडक्टरी इट और दूसरा इंट्रोडक्टरी देयर। तो आइए पहले सब्जेक्ट को खोजते हैं, राधा के द्वारा हमारा लास्ट का हो जाएगा, प्रतिदिन ऑब्जेक्ट है तो ये भी लास्ट का हो जाएगा, पढ़ने के लिए में के लिए हमारा फॉर प्रीपोजिशन आ गया तो ये भी लास्ट का हो जाएगा, विद्यालय में, तो में हमारा प्रीपोजिशन है तो ये भी लास्ट का हो जाएगा, या जाता है पहचान हो जाएगा, जाना वर्ब हो जाएगा, यानी कि इस वाक्य में सब्जेक्ट है ही नहीं। तो सब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल करेंगे, तो इट लिखेंगे, तो इट के साथ इज का प्रयोग होता है, इट के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, इज का, तो यहां लिखेंगे इज, तो वाई इज, और सब्जेक्ट हमारा इट हो गया। उसके बाद देखिए वर्ब को लिखेंगे, तो वर्ब हमारा क्या है, जाना, जाना का वर्ड होता है गो, और गो का तीसरा रूप होता है गॉन, तो यहां लिखते हैं गॉन। फिर पीछे लौटेंगे तो देखिए मे है, तो मे का वर्ड होता है इन। उसके बाद फिर पीछे लौटेंगे तो विद्यालय, विद्यालय का वर्ड होता है स्कूल, तो यहां लिख देंगे स्कूल। उसके बाद देखिए के लिए मिला, तो के लिए का वर्ड होता है फॉर, तो फॉर के लिए तो है, लेकिन क्या चीज के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, दौड़ने के लिए, या क्या चीज के लिए, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है पढ़ने के लिए, तो पढ़ना का वर्ड होता है रीड, तो यहां रीड लिख देंगे। फिर पीछे लौटेंगे देखिए लिखा हुआ है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का वर्ड हम डेली भी लिख देते हैं डेली। उसके बाद देखिए किसके द्वारा, राधा के द्वारा, तो के द्वारा का वर्ड होता है बाई, और राधा का वर्ड राधा होता है, तो लिखेंगे बाई राधा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। तो आगे सेंटेंस देखेंगे हम लोग, क्या सेंटेंस है, मेरे द्वारा कैसे नहीं आपके साथ सुबह में दौड़ने के लिए सड़क पर जाया जाता है। तो इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को खोजेंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड तो कैसे मिल ही चुका है, तो कैसे का वर्ड होता है हाउ, तो देखिए आपके साथ सुबह में दौड़ने के लिए सड़क पर जाया जाता है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो अभी अभी हम बताए हैं कि जब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ भी इट का प्रयोग करेंगे और इट के साथ इज का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे हाउ इज इट। अब देखिए यहाँ पर नहीं है, तो नहीं का वर्ड होता है नॉट, तो नॉट लिख देंगे। अब वर्ब लिखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब है यहाँ पर जाना, तो जाना का वर्ड गो होता है और गो का तीसरा रूप गॉन होता है, तो यहां लिख देंगे गॉन। तो पर है, तो पर का वर्ड लिखेंगे ऑन। फिर पीछे लौटेंगे तो है सड़क, सड़क को अंग्रेजी में रोड कहते हैं। उसके बाद फिर पीछे लौटेंगे तो देखिए के लिए लिखा हुआ है, तो के लिए का वर्ड होता है फॉर। फिर पीछे लौटेंगे तो क्या चीज के लिए, तो दौड़ने के लिए, तो दौड़ना का वर्ड रन होता है और रन का तीसरा रूप रन ही होता है, तो रन लिख दिए। फिर पीछे लौटे तो मे है, तो मे को अंग्रेजी में इन कहते हैं, तो यहाँ इन लिख दिए। फिर पीछे लौटे तो सुबह, सुबह का वर्ड मॉर्निंग होता है, तो मॉर्निंग। उसके बाद फिर पीछे लौटेंगे देखिए के साथ है ना, देखिए के साथ, तो के साथ का वर्ड होता है विथ, तो विथ लिख दिए। अब देखिए आप लिखा हुआ है, तो आप का वर्ड होता है यू। उसके बाद देखिए क्या है, मेरे द्वारा, तो बाय मी लिखेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, मेरी पत्नी के द्वारा उन लोगों से प्रतिदिन बात क्यों नहीं किया जाता है। तो देखेंगे मेरी पत्नी के द्वारा, तो इसमें द्वारा लग गया तो लास्ट में लिखेंगे। अब देखेंगे उन लोगों से, तो यहां पर से प्रीपोजिशन लग गया,
प्रतिदिन तो ऑब्जेक्ट है, क्यों डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड नहीं निगेटिव वर्ड है, यह आ जाता है पहचान, यानी कि बात करना हमारा वर्ब, इस वाक्य में भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करेंगे और इट के साथ एम इज आर में से इज का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों का वर्ड होता है वाई, तो यहां पर देखिए वाई लिख दिए, उसके बाद देखिए एम इज आर में से क्या लिखना है इज, सब्जेक्ट नहीं है तो इट लिख देंगे, उसके बाद देखिए नॉट लिखना है इस वाक्य में, देखिए कहीं पर नहीं है क्या, तो यहां पर नहीं दिए हुए है तो नहीं का वर्ड नॉट लिख देंगे, उसके बाद देखिए फिर पीछे लौटेंगे, चाहे रूल में आइए देखिए वर्ब लिखना है तो वर्ब हमारा सबसे लास्ट में रहता है और सब्जेक्ट शुरू में रहता है, तो देखिए या जाता है पहचान और बात करना हमारा वर्ब है, बात करना का वर्ड होता है टॉक और टॉक का तीसरा रूप होता है टॉक्ड, तो यहाँ पर टॉक्ड लिख दिए, फिर पीछे लौटेंगे तो देखिए लिखा हुआ है प्रतिदिन, प्रतिदिन का वर्ड होता है डेली, अब देखिए से को से का वर्ड होता है टू, फिर पीछे लौटेंगे देखिए उन लोग, तो उन लोग का वर्ड होता है देम, और उसके बाद देखिए के द्वारा, तो के द्वारा का वर्ड होता है बाई, और देखिए मेरी पत्नी है तो मेरी पत्नी का वर्ड होता है माई वाइफ, तो यहाँ माई वाइफ लिख दिए। तो इस तरह से आप लोग लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर चैनल पे जुड़े हुए रहिए, आप लोगों का अच्छा अच्छा एक पर एक एडवांस रूल, एक्स्ट्रा रूल और स्पेशल रूल्स ट्रांसलेशन का बताया जाएगा, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।